कोरोना वायरस ने हर इंसान की जिंदगी को प्रभावित किया है, लेकिन सबसे ज्यादा इस वायरस का असर अगर किसी चीज पर पड़ा है तो वह है शिक्षा व्यवस्था, खासकर सरकारी शिक्षा व्यवस्था। प्राइवेट स्कूलों में तो बच्चे आज भी ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई कर पा रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में यह संभव नहीं है। ऊपर से थर्ड वेव शुरू हो गया और इसकी वजह से जो थोड़ी बहुत शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आती दिख रही थी वो फिर से डिरेल हो गई और ये 31 जनवरी तक झारखंड में तमाम स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, हैरानी होगी कि रांची के नामकुम के तेतरी गांव में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय के एक शिक्षक की बदौलत स्कूल से बाहर एक स्कूल चल रहा है। उस स्कूल को हम एक तरीके से कह सकते हैं स्कूल ऑन व्हील। ये एक गाड़ी है, इसी गाड़ी को हम स्कूल ऑन व्हील नाम दे रहे हैं, इसलिए कि राजकीय मध्य विद्यालय के जो शिक्षक हैं राजेश कुमार, उन्होंने इसको स्कूल ऑन व्हील बना रखा है। इसी में बोर्ड है, इसी में सैनिटाइजर लेकर चलते हैं, मास्क लेकर चलते हैं और बच्चों को गांव के अलग अलग जगहों पर बिठाकर और पढ़ाया करते हैं। आप समझ सकते हैं यहाँ करीब करीब 3 दर्जन के आसपास क्लास 6 से 8 तक के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबके चेहरे पर मास्क है और शांतिपूर्ण तरीके से सबकी पढ़ाई हो रही है और ये पढ़ा रहे हैं राजेश कुमार जी। इस वक्त हमारे साथ मास्टर साहब हैं, सॉरी सर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, राजेश कुमार जी मास्टर साहब हैं आप। सर पहला सवाल तो बेसिक से ही बनता है कि सारी चीजें ठप हैं, स्कूल बंद पड़े हुए हैं, आपकी ये कक्षा चल रही है बाहर, ये ख्याल आपके मन में कहाँ से आया? सर मतलब दूसरे वेव से ही जब आया था कोरोना का तो हमने ये देखा कि घर में हम यूट्यूब बना रहे थे अपने बेटे के साथ, यूट्यूब में वीडियोज बनाए करीब 100 वीडियोज मैथ्स का चैप्टर वाइज और बच्चों को भेज रहे थे हम। तो हम जब इनको फ़ोन करके पूछते थे या इनसे संपर्क करते थे तो पता चलता था किसी का मोबाइल ही रिचार्ज नहीं हुआ, किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है ही नहीं और किसी के घर में है तो उसके माता पिता लेके चले गए। तो वैसी परिस्थिति में 2-4 बच्चे ही मेरा लाभ उठा पा रहे थे, तो हमने निर्णय लिया कि अब उसी गाँव में जा कर के, उसी मोहल्ले में जा कर के हम क्लास लेंगे। क्योंकि अगर मान के चलिए बैठ के रहना क्या है, कोरोना का नियम का पालन करना है और उसके आधार पर हम क्लास लेंगे। कोरोना गाइडलाइन, सैनिटाइजर हम खरीदे हैं और मास्क भी खरीद करके रखे हुए हैं, गाड़ी में दर्री रखते हैं, व्हाइट बोर्ड खरीदे, मार्कर खरीदे और फिर हमने इस काम को शुरू कर दिया और ये काम जो है जारी है, 1.5-2 साल से जारी है और ये हम अपने संतुष्टि के लिए काम करते हैं। हमको अच्छा लगता है पढ़ाना और हम ये पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस कोरोना काल में जो बच्चों और शिक्षा के बीच में जो गैप हुआ था, हम तेतरी स्कूल के बच्चों में वो गैप नहीं आया क्योंकि वो शिक्षा से जुड़ करके रहे। आपने जोड़े रखा, हाँ, जोड़े बच्चों को इन्होंने शिक्षा से जोड़े रखा। और मैं बता रहा हूँ कि सरकारी स्तर पर ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को जोड़ने की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन सच यही है कि वो संभव नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। जैसा कि मास्टर साहब खुद बता रहे हैं कि गरीब बच्चे हैं, किसी के घर में एक स्मार्टफोन है तो कभी पिताजी लेकर चले गए, कभी माँ लेकर चली गई, कभी डाटा नहीं है, रिचार्ज करने के पैसे नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये संभव नहीं हो पाता। यहाँ जो स्कूल चल रहा है, जाहिर सी बात है कि बच्चे इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं इसकी जानकारी बच्चे ही देंगे और मैं कुछ बच्चों से इस पर बात करना चाहूंगा। बाबू आपका नाम क्या है बताइए? अनमोल नाग। क्या? अनमोल नाग। अच्छा, ये स्कूल जब यहाँ आज जैसे आप लोग बैठे हुए हैं ये कटहल के पेड़ के नीचे, तो कौन बताया कि आज यहाँ पे मास्टर साहब आएंगे पढ़ाने? सर हमें फ्रेंड से जब वो आते हैं तो हमें बताते हैं कि आज वहाँ स्कूल है, उधर से जब दूर दूर से आते हैं तो मिलते हैं तो वो लोग बताते हैं कि आज वहाँ स्कूल है बोल के। अच्छा, तो एक तरीके से कहें कि ये जो वर्ड ऑफ माउथ होता है वो भी होता है, एक बच्चे को जानकारी मास्टर साहब की तरफ से मिल गई और वो अलग अलग दूसरे बच्चों तक ये बात पहुंच गई, उसके बाद बच्चे एक तरीके से यहाँ पर असेंबल हो जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं?
सर मैथ। मैथ्स पढ़ रहे हैं। यस। अच्छा लगता है? यस सर। कॉन्फिडेंस बहुत है। आपका नाम क्या है? बंगिया सपुर्दे। बंगिया, आपको कौन सा विषय पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है? सर मैथ, ज्योग्राफी, साइंस। आप क्या बनना चाहते हैं? सर टीचर बनना चाहते हैं। आप टीचर बनना चाहते हैं? यस सर। अच्छा, एक और बच्ची है हमारे साथ, ये बताइए कि सारे स्कूल बंद हैं झारखंड में, प्राइवेट भी बंद है, सरकारी भी बंद है, लेकिन यहाँ राजेश जी आप लोगों को वक्त निकाल कर यहाँ पढ़ा रहे हैं बहुत मतलब गंभीरता के साथ। आप पढ़ाई लिखाई पूरी करके क्या बनना चाहती हैं? पुलिस बनना चाहते हैं। आप पुलिस में जाना चाहते हैं? एक और बच्ची है, इनसे पूछ लेते हैं। बेटा आप क्या बनना चाहते हैं बताओ? टीचर। टीचर बनना चाहते हैं। तीन चार बच्चों में दो तीन बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं टीचर बनना चाहते हैं। ये देखिए, एक मास्टर, एक शिक्षक, एक अध्यापक की बदौलत ये इतना बदलाव आपको नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, ये उद्देश्य से पूछना हमारा फर्ज बनता है। राजेश जी, उद्देश्य से क्या है ये पूरी चीज के पीछे? सर आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे राज्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से और आम लोगों से भी ये अपील करना चाहते हैं कि इस कोरोना काल में आप जो है, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने गाँव में, मोहल्लों में बच्चों को पढ़ाई से जोड़ करके रखें। क्योंकि यदि ये बच्चे अगर आज पढ़ाई से छूट गए तो आने वाले बहुत काफ़ी समय लगेगा इस गैप को भरने में, और ये हमारे राज्य और देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। और मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है सर कि लोग समझें कि जब देश रहेगा तभी हम रहेंगे, और आने वाले देश, अभी अगर हम ये नहीं समझ रहे हैं, अगर हम अपने बच्चों को बॉर्डर में लड़ने लायक या गांव में काम करने लायक अगर उसको हम नहीं बना रहे हैं, आने वाली पीढ़ी अगर तैयार नहीं होगी देश को संभालने के लिए, तो फिर इसको देखेगा कौन? अगर ये भावना अगर सबके अंदर जागृत हो जाए तो सारे लोग अपना अपना काम करेंगे, और करना भी चाहिए। अगर हमको वेतन मिल रहा है तो हम बैठ करके क्या करेंगे? बिल्कुल, देखिए ये बुनियाद की बात हो रही है। ये बच्चे मजबूत होंगे, जाहिर सी बात है हमारा भारत वर्ष, हमारा भारत देश मजबूत होगा। ये बच्चे पढ़ेंगे, कल को कोई शिक्षक बनेगा, कोई सेना में जाएगा, कोई पुलिस बनेगा। इसी तरीके से एक सामाजिक ताना बाना बनता है और देश को मजबूती मिलती है। मास्टर साहब की ये अपील मैं दोहराना चाहूँगा कि लोग भले मतलब ये पूरा जो विजुअल देखेंगे आपको बड़ी खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा, लेकिन इनके अपील को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर समाज के हर पढ़ा लिखा इंसान अपने अपने इलाके में ही ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों को जो ऑनलाइन क्लास बेयर नहीं कर पाने की स्थिति में भी हैं, वैसे बच्चों को अगर अपने गली मोहल्लों टोला में बिठा कर अगर आप पढ़ाते हैं तो एक तरीके से आप जाने अनजाने में देश को मजबूत करते हैं। बहुत अच्छा लगा, सारी चीजें थमी हुई हैं लेकिन यहाँ एक कक्षा चल रही है, और इस कक्षा में जो एक कोरोना प्रोटोकॉल का जो ख्याल होता है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। और दूसरी सबसे अच्छी बात कि ये एक तरीके से इंडिकेट कर रहा है कि भले चीजें थम गई हों लेकिन बकौल साइंटिस्ट हमें इस कोरोना के साथ ही अभी रहना पड़ेगा, और इस तरीके से हम अगर संयम के साथ रहें तो पढ़ाई भी चलेगी, जिंदगी भी चलेगी और देश भी विकास करेगा। राजेश कुमार सिंह, तेतरी गांव, रांची।